रोहन रोहित एंड सचिन आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द प्रोपोर्शन 3:1:1 यानी 3:1:1 के रेशियो में डिवाइड करना है. द बैलेंस शीट इज अनगिवन और लास्ट में अगर आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा वहां पर आपको जॉय एंट्री पास करने के लिए कह रहा है. ठीक है, सबसे पहले ऑन 1st April 2018 सचिन रिटायर्ड एंड द फॉलोइंग एडजस्टमेंट हैव बीन एग्रीड अपॉन. पहला, गुडविल वॉज वैल्यूड एट 50,000 रुपीज. गुडविल वॉज वैल्यूड एट 50,000 बोला है तो यहाँ पे गुडविल का वैल्यू कितना दिया है, 57,500 दिया. देखो ऊपर आपको गुडविल का वैल्यू कितना दिया, 57,500, बट नीचे वैल्यू कितना दिया, 50,000. तो 7,500 रुपए का वैल्यू क्या हो गया, कम हो गया. वैल्यू अगर कम होता है तो क्या बोलते हैं उसको, डेप्रिसिएशन. तो अगर हमको यहाँ पे बिना डेप्रिसिएशन दिखाए डेप्रिसिएशन की एंट्री पास करनी है, कैसे करेंगे. देखो गुडविल का वैल्यू बैलेंस शीट में 57,500, बाहर वैल्यू 50, तो 7,500 की वैल्यू कम हो गई. उसको मैं कहाँ डालता था, डेबिट साइड ना. किसका डेबिट डालूंगा, रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में डालूंगा ना. याद है कि नहीं, बैलेंस शीट में अपन जो भी चीज माइनस करते हैं वो प्रॉफिट और लॉस एडजस्टमेंट में हम लोग डेबिट साइड में डालते हैं. क्या लिखते हैं यहाँ पर, टू गुडविल लिखते थे ना, तो एंट्री क्या आएगी, प्रॉफिट और लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट. एंट्री क्या आएगी, प्रॉफिट और लॉस एडजस्टमेंट. मैंने क्या बताया, असेट की वैल्यू अगर इंक्रीज, ध्यान से देखो, अगर आपके असेट की वैल्यू बढ़ती है तो आपकी एंट्री आएगी असेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट. अगर आपके असेट की वैल्यू कम होती है तो एंट्री आएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स. अगर लायबिलिटी की वैल्यू अगर बढ़ती है तो एंट्री आएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी, और लायबिलिटी की वैल्यू कम होती है तो एंट्री आएगी लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट. सिंपल. तो सबसे पहले यहां पर गुडविल की वैल्यू कम हो रही है क्योंकि 57,500 क्वेश्चन में दिया था, बट नीचे एडजस्टमेंट में कितना दिया, 50,000. तो 7,500 रुपए वैल्यू कम हो गई, तो एंट्री आएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू असेट. तो रिवैल्यूएशन भी आप लिख सकते हो, प्रॉफिट और लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी लिख सकते हो, दोनों चलेगा. तो पहला एंट्री हम लोग किसकी पास करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट. और गुडविल की वैल्यू कितनी कम हो गई, गुडविल की वैल्यू कितनी कम हो गई, 7,500 रुपए कम हो गई. कितनी वैल्यू कम हो गई, 7,500, क्योंकि पहले 57,500 था और नया वैल्यू कितना है, 50,000. तो 7,500 रुपए वैल्यू क्या हो गई, कम. तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू गुडविल, तो एंट्री हो गई अब बीइंग गुडविल रिवैल्यूड. ठीक है, गुडविल की वैल्यू क्या कर दिया मैंने, रिवैल्यू कर दिया. सिंपल. नेक्स्ट क्या बोला है, असेट्स एंड लायबिलिटी आर रिवैल्यूड एज फॉलोज. असेट और लायबिलिटी की रिवैल्यूएशन बोला है. चेक करो डेटर का वैल्यू पुराना कितना था, 60 था, नया वैल्यू कितना है, 50. तो 10,000 रुपया कम हो गया ना डेटर का वैल्यू. सिंपल, डेटर का वैल्यू क्या हो गया, कम. लाइव स्टॉक देखो, लाइव स्टॉक पहले कितना था, 50, अभी कितना है, 45. 5,000 कम हो गया कि कब, बढ़ गया, कम हो गया ना. नेक्स्ट बोलो, बिल्डिंग पहले कितना था, 75, अभी कितना है, 1,25,000. तो बिल्डिंग की वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई, प्लस 50,000. उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी पहले कितना था, 35, अभी कितना है, 30. तो 5,000 रुपया वैल्यू क्या हो गया, कम हो गया. उसके बाद मोटर ट्रक पहले कितना था, 1,00,000, अभी कितना है, 95. तो 5,000 इधर भी कम हो गया. और उसके बाद क्रेडिटर पहले कितना था, 40, अभी कितना हो गया, 30. तो वैल्यू क्या हो गया, कम हो गया. सिंपल. तो अपने को एक एक आइटम देखने का है कि किसकी वैल्यू बढ़ गई, किसकी वैल्यू कम हो गई. जिसकी वैल्यू बढ़ जाएगी उसके लिए एंट्री क्या आएगी, एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन. और जिसकी वैल्यू कम हो जाएगी उसके लिए एंट्री क्या आएगी, रिवैल्यूएशन. सिंपल. उधर देखो प्लस और माइनस का साइन डाल दो तो तुम लोग को आइडिया मिलेगा. डेटर बढ़ गया कि कम हो गया, बताओ डेटर बढ़ गया कि कम हो गया. चेक करो डेटर का वैल्यू बढ़ गया कि कम हो गया, कम हो गया. तो -10,000 कितना कम हो गया वो भी लिखो, डेटर के ब्रैकेट में लिख दो ना बेटा, अमाउंट लिखो कितना, डेटर के ब्रैकेट में क्या लिखो, -10,000. 10,000 वैल्यू कम हो गया ना बेटा. नेक्स्ट लाइव स्टॉक की वैल्यू बढ़ गई कि कम हो गई, कम हो गई, कितना हो गई, -5,000 ना. 5,000 रुपया वैल्यू क्या हो गया, कम हो गया. तो -5,000 लिख दो वहां पर. ठीक है. नेक्स्ट बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई कि कम हो गई, बढ़ गई. तो प्लस या माइनस, प्लस कितना, 50,000.
प्लांट का वैल्यू 30 हो गया, तो पहले 35 था अभी 30 हो गया, तो -5000, तो वहां पे लिखो -5000 प्लांट एंड मशीनरी में -5000। मोटर ट्रक पहले 1 लाख था अभी 95 हो गया, तो -5000 मोटर ट्रक में लिखो -5000। क्रेडिटर पहले कितना था 40, अभी कितना है 30, तो -10000 क्रेडिटर में लिखो -10000 30 दिया, क्लियर। अब लाइन से चेक करो असेट में ऐसे कितने आइटम है जिसमें तुमने माइनस डाला है, आपने कितने आइटम्स ऐसे जिसमें माइनस डाला हुआ है, चार आइटम्स है ना, चार आइटम ऐसे जिसकी वैल्यू अपने क्या क्या कम हुआ है ना, तो एंट्री क्या पास करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कौन कौन से असेट्स है वो बताओ। पहला प्लांट, प्लांट का वैल्यू कितना कम, प्लांट एंड मशीनरी का कितना माइनस किया आपने, प्लांट एंड मशीनरी का कितना माइनस किया है 5000। उसके बाद नेक्स्ट मोटर ट्रक का आपने कितना माइनस किया है, मोटर ट्रक का भी आपने 5000 माइनस किया है। उसके बाद बिल्डिंग बढ़ गया था ना बेटा, बिल्डिंग का वैल्यू, क्रेडिटर एसेट की बात कर रहे हम लोग, लाइव स्टॉक की वैल्यू कितनी हो गई, कितना माइनस किया आपने, लाइव स्टॉक कितना माइनस किया है 5000 माइनस किया, मैंने जो माइनस वाला वैल्यू लिखा है उसकी बात करो बेटा। और उसके बाद डेटर्स, डेटर्स कितना माइनस हो गया 10000। तकलीफ ये चार वैल्यू अपने माइनस में लिखा था ना, तो जो माइनस में लिखा वही वैल्यू मैंने यहां पर लिखा है। अब क्या करोगे सबको ऐड, तो 10+25000 हो गया, तो रिवैल्यूएशन का अमाउंट आ गया 25000 बीइंग असेट्स रिवैल्यूड। असेट को क्या किया मैंने, रिवैल्यूड किया। अच्छा डेबिट में डालते तो प्रॉफिट है कि लॉस है, लॉस, तो रिवैल्यूड एट लॉस बोलेंगे बेटा, रिवैल्यूड एट लॉस, सिंपल। अरे ये सब असेट की वैल्यू कम हो गई तो मेरे लिए क्या है लॉस। अब देखो असेट में एक वैल्यू बढ़ी भी तो थी 50000, बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई थी, तो असेट की वैल्यू बढ़ गई तो एंट्री क्या आएगी, असेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। तो असेट क्या है मेरा, बिल्डिंग है ना, तो एंट्री आएगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। एंट्री क्या आएगी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा 50000, कितना आएगा बेटा 50000। कोई तकलीफ, बिंग असेट रिवैल्यूड एट प्रॉफिट, असेट रिवैल्यूड एट प्रॉफिट। नेक्स्ट लायबिलिटी में प्लस माइनस किया था क्या, देखो लायबिलिटी में क्रेडिटर का प्लस माइनस हुआ है ना, देखो क्रेडिटर में -10000 आपने किया है, तो क्रेडिटर का वैल्यू क्या हो गया, कम हो गया, तो एंट्री लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो लायबिलिटी में क्या आएगा, क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा 10000। कोई तकलीफ, जैसा कि मैंने यहां पर आपको एक्सप्लेन किया वैसी ही चीज यहां पर भी मैंने लिखी है, बीइंग क्रेडिटर की वैल्यू कम हो गई, तो बीइंग लायबिलिटी रिवैल्यूड एट प्रॉफिट। अच्छा प्रॉफिट क्यों लिखा, क्योंकि रिवैल्यूएशन अगर क्रेडिट होता है तो प्रॉफिट होता है, रिवैल्यूएशन अगर क्रेडिट हो रहा है तो प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन अगर डेबिट हो रहा है तो लॉस। तकलीफ, तो पहला हमने क्या किया, असेट और लायबिलिटी की रिवैल्यूएशन कर दिया, गुडविल का भी रिवैल्यूएशन कर दिया, इसका भी, चाहता तो मैं गुडविल इसके साथ एडजस्ट कर सकता था एक ही साथ में, इससे करने से क्या हो गया, कम से कम टाइम में ज्यादा एंट्री हमारी हो गई, क्लियर। नेक्स्ट क्या बोलता है बेटा, नेक्स्ट थर्ड, रोहन एंड रोहित कंट्रीब्यूटेड एडिशनल कैपिटल थ्रू नेट बैंकिंग ऑफ 50000 एंड 25000 रिस्पेक्टिवली। अरे बेटा रोहन और रोहित ने पैसा लाया, एडिशनल कैपिटल लाया, बिजनेस में पैसा आ रहा है कि जा रहा है, आ रहा है। रोहित ने भी पैसा लाया, दोनों ने पैसा लाया, तो पैसा आएगा कि जाएगा, आएगा तो पैसा आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट। तो यहाँ पे उसने किससे लाया, बैंकिंग से लाया ना बेटा, नेट बैंकिंग से लाया, किधर से लाया, नेट बैंकिंग मतलब बैंक अकाउंट डेबिट। तो किसने लाया, रोहन ने लाया, तो रोहन कैपिटल अकाउंट आएगा बेटा,
और रोहित ने लाया तो रोहित कैपिटल अकाउंट आएगा, सिंपल। अब रोहन ने कितना लाया 50 और रोहित ने कितना लाया 25,000, टोटल हो गया 75,000। नरेशन आएगा बीइंग एडिशनल कैपिटल ब्रॉट, एडिशनल कैपिटल लाया तो एडिशनल कैपिटल ब्रॉट, ब्रॉट मतलब लेकर आया। कोई तकलीफ? श्योर। नेक्स्ट क्या बोलता है, नेक्स्ट क्या कहता है वो, बैलेंस ऑफ सचिन कैपिटल अकाउंट इज ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। अभी सचिन का कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर करना लोन में, लेकिन तकलीफ क्या है, ना तो हम जनरल लेजर बना रहे, ना हमने रिवैल्यूएशन बनाया, ना ही हमने कैपिटल बनाया, ना ही हमने गुडविल बनाया, ना ही हमने कैश बैंक बनाया, ना ही हमने बैलेंस शीट। तो ये बिना पांचों अकाउंट बनाए आपके जॉइंट्री इतना तो हो गया, लेकिन बाकी का कैसे करने का, वही चीज अपने को यहां पर सीखने की जरूरत है, ठीक है। एसेट और लायबिलिटी रिवैल्यूएशन तो आपको समझ में आ गया कि कैसे करना है, उसके अलावा कैपिटल की एंट्री भी आप आसानी से पास कर सकते हैं। तो पांच करने पर आपको तकरीबन 5 से 7 नंबर आपको आसानी से मिल जाएंगे, समझा, इतना भी किया तो। अब क्या करना है, बैलेंस शीट की तरफ जरा नजर फेरो। क्रेडिटर कहां पर, कहां आता है, लायबिलिटी में आता है। जनरल रिजर्व कहां ट्रांसफर होता है, पार्टनर्स कैपिटल में। किधर आता है, पार्टनर्स कैपिटल में। तो पार्टनर्स कैपिटल में कहां आता है, क्रेडिट साइड, कहां आता है, क्रेडिट साइड। तो इसका एंट्री आएगा जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, तीन पार्टनर्स है बेटा, तीन पार्टनर्स है। कौन कौन से पार्टनर्स है हमारे, रोहन रोहित सचिन। तो रोहन कैपिटल अकाउंट, रोहित कैपिटल अकाउंट, रोहित कैपिटल अकाउंट, और तीसरा पार्टनर है हमारा सचिन कैपिटल अकाउंट। तो तीन पार्टनर्स हमने लगातार लिख दिए। जनरल रिजर्व का अमाउंट कितना है 50, और क्वेश्चन में देखो उनका रेशियो भी आपको दिया गया है। रेशियो कितना दिया, 3-1-1, 3+1+1 कितना दिया 5, ऊपर पहले लाइन में दिया है। तो इसका मतलब पहले वाले का 30,000, दूसरे वाले का 10,000, तीसरे वाले का 10,000। कोई तकलीफ नहीं। तो बीइंग जनरल रिजर्व ट्रांसफर, जनरल रिजर्व ट्रांसफर। उसके अलावा कैपिटल को कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे, लायबिलिटी और बिल्स पेबल को लायबिलिटी में। तो जो ट्रांसफर होता है ना, जो खुद के अकाउंट में ट्रांसफर होता है उसकी एंट्री नहीं पास करने का, जो सीधा असेट और लायबिलिटी में ट्रांसफर होता है उसकी कभी भी एंट्री पास नहीं करने का। बैंक, बैंक का खुद का अकाउंट बनता है, बैंक का खुद का, तो उसकी एंट्री पास नहीं करेंगे। डेटर, लाइव स्टॉक, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीन, मोटर कार, गुडविल, ये सब तो बैलेंस शीट असेट में जाएगा, तो उसका एंट्री पास नहीं। खाली उसने जो असेट अप्रिशिएट या डेप्रिशिएट हुआ है ना, उसकी एंट्री हम लोग यहां पर पास कर रहे हैं। क्लियर, इतना हो गया, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट टैली करते, पता टैली करते हो तो कैसा करना है, अभी बिना बनाए कैसे पास कर सकते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, शॉर्टकट बनाएंगे। शॉर्टकट मतलब बस इतना, टी बनाने का। रिवैल्यूएशन डेबिट में 7,500 डेबिट में लिख, 7,500 सिंपल। रिवैल्यूएशन डेबिट में 25,000 तो डेबिट में लिख 25,000। रिवैल्यूएशन क्रेडिट में लिख 50,000 सिंपल। रिवैल्यूएशन क्रेडिट में लिख दो 10,000। रिवैल्यूएशन इधर आया क्या, नहीं। इधर आया क्या, नहीं। बस इसका टोटल आता है 60,000, इसका टोटल आता है 32,500। कौन सा बड़ा लग रहा है, तो इसका तो यहां पर बैलेंसिंग फिगर आएगा, तो 60,000 में से माइनस करो कितना आएगा, देखो 500 इधर आ गया, इधर 7 आ गया, इधर 27, ठीक है। यानी ये मेरा क्या हो गया, प्रॉफिट, क्या हो गया मेरा प्रॉफिट। ये प्रॉफिट किस में बटेगा, तीन पार्टनर में, तो लिखूंगा क्या एंट्री, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। क्या लिखूंगा बेटा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। डेबिट कितने पार्टनर्स है, तीन। कौन कौन, रोहन्स कैपिटल अकाउंट, रोहित कैपिटल अकाउंट और सचिन कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट सिंपल। तो अब रिवैल्यूएशन का अमाउंट मेरा है 27,500, तीनों में बांटना है। रेशियो क्या है, 3:1:1, तो 5 से डिवाइड करूंगा, 5 5 25 कैरी 2 5 5, तो 5,500 आ गया। तो टब वन वाले में 5,500, ये वाले वन में भी 5,500 आएगा, लेकिन
मल्टीप्लाइड बाय थ्री करना पड़ेगा क्योंकि पहले वाले का थ्री है, दूसरे वाले का वन है, इसमें भी वन है, तो वन वन वाला तो लिख दिया, थ्री वाला थ्री जीरो सा जीरो, थ्री जीरो थ्री फाइव सा फिफ्टीन कैरी वन, सॉरी और थ्री फाइव सा फिफ्टीन वन सिक्सटीन, दैट्स इट। तो क्या लिखूंगा इसको, बीइंग प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, बीइंग प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, यानी रिवैल्यूएशन में हमने क्या निकाला बेटा, प्रॉफिट। अब ये प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर होता है, पार्टनर्स कैपिटल में, पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर, जो पार्टनर रिटायर हो गया उसका पैसा कहाँ डालना है, लोन में डालना है, और बाकी दोनों को लायबिलिटी में डालते थे, तो जिसकी लायबिलिटी में डालते उसकी एंट्री आएगी नहीं, सिर्फ किसकी एंट्री आएगी, लोन वाले की। तो लोन किसका जाएगा, जो रिटायर हो रहा है, तो रिटायरमेंट कौन ले रहा है, सचिन, रिटायरमेंट कौन ले रहा है, सचिन, तो सचिन का कितना लोन आएगा, तो देख सिंपल, सचिन कितना लोन आएगा, सबसे पहले सचिन का कैपिटल कितना है बताओ, सचिन का कैपिटल कितना है बताओ, लायबिलिटी में देखो सचिन का कैपिटल 50,000, हम लोग सिर्फ सचिन का क्यों बना रहे, क्योंकि सिर्फ सचिन का ही लोन निकालना है, सचिन रिटायरमेंट ले रहा है। अब देख यहां पे सचिन आया क्या, इधर आया क्या, इधर आया क्या, इधर इधर इधर, हाँ कितना 10,000 क्रेडिट में, इसलिए क्रेडिट में डाला, इधर सचिन है क्या, है डेबिट में कि क्रेडिट में, क्रेडिट में 5,500, और कुछ है क्या, नहीं, तो 50, 60, 65, 500 यही बैलेंसिंग फिगर इधर भी आएगा ना, मतलब उसके लोन में कितना जाएगा 65,500। तो यहाँ पे लिखूंगा, क्या लिखूंगा यहाँ पर, सचिन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू लोन, क्या लिखूंगा, सचिन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू लोन, यानी एंट्री आ गई सचिन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सचिन लोन अकाउंट, सचिन कितना बेटा 65,500, 65 बीइंग बैलेंस ऑफ कैपिटल ट्रांसफर टू लोन, अंडरस्टूड। क्या किया हमने, जॉइंट एंट्री पास करने बोला, तो जॉइंट एंट्री पास करते समय सिर्फ कुछ चीजें याद रखने का, क्या कि जो एडजस्टमेंट में दिया है, ठीक है, जो हमको एडजस्टमेंट में दिया है वो तो हमको एंट्री पास करना ही है, ये भी मुझे एडजस्टमेंट में दिया था उसकी एंट्री तो पास करनी पड़ेगी, लेकिन इसके अलावा कभी भी आता को जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अगर क्वेश्चन में दिया है, बैलेंस शीट में दिया है, तो उसको ट्रांसफर करने की एंट्री भी आएगी हमेशा, नहीं दिया है तो एंट्री भी नहीं आएगी, सिंपल। उसके बाद रिवैल्यूएशन निकालना पड़ेगा, रिवैल्यूएशन मतलब रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट आएगा या लॉस, तो प्रॉफिट और लॉस की एक एंट्री 100% आएगी। उसके अलावा जो पार्टनर रिटायर ले रहा है तो उसका ही सिर्फ शॉर्टकट में बनाओ, जो पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा है तो उसको, तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या लिखा, उसका कैपिटल कहां से लिखा, बैलेंस शीट से, सिंपल। उसके बाद बाकी तो सब इधर ही दिया है, जहां जहां पे, यहां पे सचिन दिया तो सचिन का अमाउंट उठा के लिखा मैंने, यहां पर सचिन दिया तो यहां पर भी सचिन का अमाउंट उठा के क्रेडिट में लिखा, टोटल कर दो, यही टोटल मेरा यहां पर आएगा 65,500। एंट्री सचिन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट, तो वही एंट्री यहां पर पास कर दिया, दैट्स इट, हो गया मेरा सम, क्योंकि इसके अलावा बाकी कुछ करने तो बोला था ही नहीं उसने, क्लियर।